धन से जुड़ी समस्या सता रही है आपको। इस धन वाले चक्रव्यूह से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। घर में पत्नी गुस्सा हो रही है आप पर। तुमने दिया ही क्या है मुझे? विवाह करके आई हूँ, तब से दो जोड़े साड़ी में ही जीवन काट रही हूँ। बच्चे कहते हैं पिताजी बाहर पढ़ने जाना है, हमारे लिए कुछ सोचा होता बचपन से? आपने सिर्फ जन्म दिया, हमें बड़ा कर दिया। ना बेटी खुश, ना बेटा खुश, ना पत्नी खुश। घर में परिवार वाले भी कहते हैं तो बड़ा होकर किया है क्या, एक छोटी सी नौकरी और हमें गरीबी की जिंदगी। आपकी समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं करूं क्या कि इन सबका मुंह बंद हो जाए, सभी प्रसन्न हो जाए, सभी की जरूरतें पूरी हो जाए। हर पिता, हर घर का मालिक जो होता है वो चाहता है कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को हर वो खुशी मिले जिसके वो हकदार भी है और जिनकी इच्छा भी है उन्हें। वो बच्चे अपने दोस्तों के घर जा रहे हैं, सुख समृद्धि से भरा उनका घर देख रहे हैं, एक से एक खाना बन रहा है, महंगे सोफे हैं, बड़ी टीवी है, तो घर आकर आपसे जिद क्यों ना करें। पत्नी अपनी सहेलियों से मिल रही है, सोशल मीडिया पर चला रही है ऐप और देख रही है अपनी सहेलियों की स्थिति कैसे, वो बाहर घूमने जा रही है, महंगे कपड़े पहन रही है, तो वो आपको परेशान करेगी ही करेगी, ये तो नेचुरल है। तो क्या करना है आपको? इन लोगों से पीछा छुड़ाना है, इन सारे की जरूरतों को मिनटों में पूरा करना है। मैं कह रही हूँ चमत्कार कर सकते हैं आप अपने घर में केवल इस जीव को इस दिन एक चीज खिलाकर, है ना आसान? साधारण सा उपाय और असाधारण, अद्भुत, हैरान कर देने वाले नतीजे। यहाँ कोई चमत्कार की बात नहीं हो रही, यहाँ कोई मजाक की बात नहीं हो रही, यहाँ ज्योतिष शास्त्र की बात हो रही है। ऐसे ऐसे मोती है इस खजाने में, इस समुद्र में, कि यदि एक मोती भी आपके हाथ से ही लग जाती है और आप अपने एक ग्रह को भी इतना मजबूत कर सकते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे आप, इसी जीवन में खेलेंगे। अपने भाग्य को स्वयं आप अपने हाथों से बदलेंगे। चाहे जैसी भी समस्या धन से जुड़ी सता रही है आपको, कर्ज ले रखा है आपने और कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा, कर्ज से मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं आप, हर कर्ज को तोड़ पाएंगे आप। किसी ने धन ले लिया आपका, दे नहीं रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, पुराने से पुराना धन नहीं लौटा रहा, सालों बीत गए हैं, हाथ जोड़कर आपका लिया धन लौटाएगा। आपके बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ेंगे, आपके घर की हर जरूरत पूरी होगी, बिटिया रानी भी खुश होगी और पत्नी तो आपकी आरती उतारेगी, धन जो इतना आएगा। जरूरतों से तो चेहरे पर खुशियां आती है, कोई गलत नहीं है कि यदि जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो उदास नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, हम साधारण से मनुष्य हैं, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उदासी तो बनती है, चेहरा आपका सूखना बनता है। तो चलिए आपके चेहरे पर चमक लाते हैं, आपके जीवन में बाहर लाते हैं। ऐसा चमत्कारिक उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ, केवल इस जीव को आपको इस दिन ये चीज खिला देनी है ना, साधारण सी बात, परंतु आपके जीवन को आप स्वयं बदलता देखेंगे। यदि छोटी सी दुकान है आपकी तो उस दुकान के माध्यम से आप करोड़पति बन सकते हैं। यदि कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें ऐसी तेजी आ जाएगी कि आशातीत वृद्धि होगी। साधारण सा काम करके भी आप असाधारण परिणाम स्वरूप धन प्राप्त कर पाएंगे, एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भाग्य को बदल देता है यह एक चमत्कारिक मंत्र। एक बात जान लीजिए, धन की बात छोड़िए तो एक चीज देखिए, ये आपकी हथेली है, ये जो भाग है ये शुक्र पर्वत होता है। आपको कुंडली देखना नहीं आता, आपको हस्तरेखा देखनी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप अपने हाथ पर देखिए कि यदि ये भाग उभरा हुआ है, अन्य सभी भागों में से ये भाग उभरा हुआ हो, किसी के भी हाथ के मैं हथेली में देखिए, तो आंखें बंद करके निश्चित रहिए कि आपका शुक्र सुधरा हुआ है। शुक्र को सुधारने के पीछे आपको अपना समय बर्बाद न करें और शुक्र सुधरा रहेगा तो लक्ष्मी बरसती रहेगी। ऐसी उभरी हुई हथेली वाली लड़कियां भी बहुत शुभ होती हैं अपने परिवार के लिए, वो विवाह करके जिस घर में कदम रखती है वो घर भी बहुत संपन्नता की ओर जाता है। दूसरी बात, आप गुरुवार के दिन चने की दाल को दान कर सकते हैं, बिना यदि आपको कोई जानकारी नहीं है, आप कुंडली भी नहीं देखना जानते, कुछ नहीं, तो आप गुरुवार चने की दाल दान करना प्रारंभ कीजिए। थोड़ा सा ही दान कीजिए, जितने सक्षम हो 100-125 ग्राम ही दान कर दीजिए। ऐसा करने से आप अपने बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस कर लेंगे, गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा,
लक्ष्मी प्राप्ति में जो भी थोड़ी बहुत बाधा आ रही होगी वो दूर होने लगेगी। तो ये छोटे छोटे से काम है जो आप बिना जानकारी के भी कर सकते हैं, बिना पूछे भी कर सकते हैं। ये सब जानकारी मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत मेरे भाई बहन लिखे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अब उपाय की ओर आती हूँ। मंगलवार की रात्रि को पूजा रूम से एक लोटनी ले लें, ग्लास कटोरी ले लें, लेकिन पूजा रूम से शुद्ध पवित्र ले, किचन से ना ले। ग्रहों को सुधारना है तो हम चीजों का भी प्रयोग अच्छे से करेंगे। ग्रीन वाली उड़द की दाल आती है, उड़द की दाल ले लें एक मुट्ठी, अपने मुट्ठी से माप कर एक मुट्ठी ले लें। और पूजा रूम से जो लोटनी आपने लाए हैं उसमें ग्रीन उड़द की दाल डाल दें और साधारण सा जल भर दें। आप जिस दिशा में सोते हैं, जिधर सोते हैं अपने बेडरूम में, अपने सिरहाने की दिशा में थोड़ा दूर ही सही, खिड़की पर ही सही, किसी ऊंचे तख्ते पर ही सही, आप इस पात्र को रख दें जिसमें मूंग की दाल आपने ठंडे पानी में भिगोया है। मंगलवार की रात्रि को सो जाए, चैन से सो जाए, इसका मुंह खुला ही रहेगा, कोई ढके नहीं। अगले दिन बुधवार को इसे छान लें, जल को आप किसी फूल पौधे में दे दें और उस उड़द की दाल, ये मूंग की दाल को माफ कीजिए, किसी भी बर्तन में निकाल लें। ये लोटनी भी आप पूजा रूम में रखा है। सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद बुधवार के दिन दिन भर में कई बार चरणों में, एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, ये फुली हुई दाल जो है मूंग की दाल आप कबूतरों को खिलाएं। कबूतर ही हो, आप ध्यान से देखें कहां पर कबूतर आते हैं, आप उन्हें बुला भी सकते हैं। कबूतरों को हम आवाज देकर भी बुलाते हैं, बर्तन बचाकर भी बुलाते हैं। आप अपने तरीके से कबूतरों को बुलाएं और दिन भर में तीन बार चार बार करके ये जो फुलाई है अपनी दाल कबूतरों को खिलाना प्रारंभ कीजिए। हैरान करने वाले चमत्कार यदि आपको ना मिले तो कहिए आकर मुझसे। एक चीज और, ये एक चीज हुई, एक चीज नहीं करनी आपको, दो चीज करनी है, पारी पारी से करनी है। इस बुधवार को आपने ये किया तो अगले बुधवार को आपको दूसरी वाली चीज करनी है। पालक की साग खरीद ले, पालक की एक डली आती है, बंधी हुई आती है पालक, 10-20 रुपए में आती है। पहले तो बहुत सस्ती आती थी, अभी पालक भी महंगे हो गए, कोई बात नहीं, 10-20 रुपए ही है उसकी कीमत। आप एक पालक खरीद लें, उसे रखें दिन भर में, उसे भी सूर्यास्त से पहले कम से कम उसके तीन भाग कर दें और तीन अलग अलग गाय जब भी देखे उसे खिला दीजिए, अपने हाथों से नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, अपने अपने काम पे लग जाइए। फिर कोई गाय देखे उसे भी एक बंडल खिला दीजिए। गाय तो दिखती रहती है, गाय तो उस दुकान पर भी आती है बहुत सारी। बुधवार के दिन आपको ये दो कार्य हर बुधवार छोड़कर बुधवार को करते रहिए। किसी बुधवार को आप कबूतरों को दाल खिला दिए और किसी बुधवार को आप गाय को पालक खिला दीजिए। बस ध्यान रहे यही दो चीज करनी है, मेरे बताए इस उपाय में यही दो चीज करनी है। उसके बाद जो चमत्कार होगा वो आपके जीवन में होगा और फिर आप आएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, मुझे धन्यवाद लिखेंगे और आपका लिखा वो धन्यवाद मैं अपने कम्युनिटी में अवश्य शेयर करूंगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा विश्वास है कि आपका भाग्य बदलेगा आपकी खुद की आंखों के सामने। अवश्य करें ये दिव्य चमत्कारिक अलौकिक प्रयोग और क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।